वेलकम बैक टू अनदर सेशन बाय सुखन। आज का बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सेशन के लिए, वो क्यों है इस पे आगे आपको पता चलेगा। बट हमारे साथ आज दानिश जब्बार खान साहब मौजूद हैं। दानिश साहब को सबसे पहले तो मैं सर वेलकम करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें टाइम दिया आज के लिए। बहुत शुक्रिया हमाद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। चलिए दानिश साहब को छोटा सा प्रोफाइल, जो छोटा सा प्रोफाइल मैं उसको बना दूंगा, बट आई एम श्योर इट्स अ माशाल्लाह अ ग्रैंड लार्ज प्रोफाइल। बट ही हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 18 ईयर। इनका जो स्पेसिफिक फोकस है वो ये है कि जेंडर डिफरेंस को किस तरह जो है वो हम कम कर सकते हैं सोसाइटी में फॉर अ प्रोग्रेसिव एंड अ मोर बेटर सोसाइटी इन पाकिस्तान। इसके अलावा हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर हम बाद में आते हैं। बट इसके अलावा माशाल्लाह ही हैज बीन अवार्डेड एज अवार्डेड बाय द प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। He is currently serving as CEO of Karwan Craft Foundation, which was established in 2004, and it's a non-for-profit company. And basically, as I mentioned earlier, they are working for a world where men and women can work side by side as an equal partner. Or is pe statistics pe bhi maar rahe hain, to dekhe Karwan has jo hai basically opened more than 250 centers in 12 districts. They are working in KPK and Punjab, and more than 19,000 women have been trained. And they have gone on to work in the market and open their own businesses. Personally, he has done his architecture and bachelor's in architecture, and then he went on to do his MBA from LUMS. And he has worked in the corporate sector as well. So, Danish sir, मेरा पहला question आपसे यही होगा, I think, कि इतने architecture में थे, फिर आपने masters का फैसला किया, फिर corporate side पे, और अब एक non-profit में. तो डू यू अब आप पीछे देखते हैं अपनी लाइफ पे, तो डू यू सी अ कॉमन गोल इन सब में, या जो आप करना चाह रहे थे, आर यू एबल टू कनेक्ट डॉट्स नाउ? हमारे सब पीछे मुड़ के जब देखते हैं चीजों को तो समझ यही आई है कि ऑफ कोर्स जब आप एजुकेशन सिस्टम में होते हो, अपनी बैचलर्स वगैरह कर रहे होते हो, तो एक सोच जरूर डेवलप हो जाती है। बड़ा एक प्राइम टाइम होता है आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने में। सो एनसीए प्लेड अ मेजर रोल इन हाउ टू लुक एट वर्ल्ड। सवाल करने का जो है एक मेरे ख्याल में जो एक इंग्रेडिएंट अब जो आगे जाके भी जिसने मुझे काफी हेल्प की वो एनसीए की एजुकेशन का, उसमें बहुत हाथ है। अच्छा, वहां से जो है फिर आगे आर्किटेक्चर तो किया और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे तरीके से ही वहां से बल्कि डिस्टिंक्शन लेके ही वहां से उसके बाद आई थिंक द बिलीफ सिस्टम वाज ऑलवेज के आर्किटेक्चर वाज नॉट ओनली अबाउट द walls and ceilings, the built environment. It's about the systems as well, and how to design systems. So terms like architect of change and reading architecture, writing architecture. So there are many dimensions of architecture that there is. It's only built is just one thing. So ye ek sochte it's about designing it's the design of the event in a space that gives meaning to it. So that was I think the major take out. And theater kshetra mein bahut karte the to wo experiment karne ka na architecture mein bahut mauka mila in cheezon ka. So I think growing up from there ek saath so I was never really interested in building construction. So that was not my forte. So वहाँ से बस होते होते जो है of course रोजगार भी कमाना था. So I just went towards doing a degree in business. Was fortunate enough to get a scholarship as well from LUMS. So उसके बाद वहाँ से MBA करके जो एक ट्रेजेक्टरी होती है कि यार अच्छी जगह मल्टीनेशनल में कहीं नौकरी मिल जाए तो काम करें और ये करें, बस इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ते रहे। आगे जाके जो है वो आई थिंक द रियलाइजेशन दैट 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 वो जो है ना एक जो एक टू डू समथिंग मोर
वो एक हमेशा से साथ रही थी. एंड आई थिंक नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बंदा जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, पीछे मुड़ के देखता है, तो अब मैं देखता हूँ ना, तो मैं हमारी समझता हूँ कि इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट डॉट्स कि ये हुआ था तो ये हुआ था, ये हुआ था. बट आई बिलीव दैट इट्स अ गॉड स्कीम. There's a bigger design in action. We try very hard to say, "Yar, ye hua tha, to hua tha." But I think I'm very lucky to be part of this space where, which I call architecture, designing systems, reaching out to the most vulnerable of people, and be able to do something which is closer to heart. It's a very creative process. This social entrepreneurship और जिस space में हम काम कर रहे हैं तो question करने का बहुत मौका मिल रहा है. बहुत established myths, established narratives जो बने हुए हैं, कुछ cliché terms हैं, उनको समझने का उनको मुख्तलिफ तरीके से देखने का मौका मिल रहा है. So I think that is how मैं ये जरूर समझता हूँ कि as a person of faith, I always believe that do your best and leave the rest. But over a period of time, I have started to know that leave the rest and do your best. So that is how I look at my life. I totally agree with you. I think obviously मैं तो भी आपके जो है बहुत पीछे हूँ और इंशाल्लाह I'll be able to get that much experience as well. But जब even मैं भी अपना पिछला देखता हूँ तो 2006 में 4 में फेसबुक पे जब और 2007 में फेसबुक पाकिस्तान में आया था उस टाइम यू नो को इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी फेसबुक पे, ना कोई इतनी लाइक्स की गेम थी. उस टाइम बैठ के ना पूरी पूरी मैच की रिपोर्ट में लिखा करता था फॉर नो रीजन, कोई पढ़ता भी नहीं था. और अब मैं 15 साल बाद बैठ के क्रिकेट पॉडकास्ट करता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा यार ये थोड़ा सा जो है वो लगे पहले भी हुए थे, अंदाजा नहीं था और पता अब चला है कि अच्छा क्या करने का थोड़ा शौक चढ़ा हुआ था. सर अभी आपने बात की उसकी, ये आई थिंक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ उठ सकता है कि जब हम इस साइड पर सोशल एंटरप्रेनरशिप में आते हैं या सोशल वर्क में या इस तरह यू नो अपलिफ्टिंग दिस कम्युनिटीज, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम एक सर्टेन माइंडसेट के साथ आते हैं, हमारी अपनी जो है वो प्रिसीव नोशंस होती हैं. जिस तरह आपने मिथ की बात की तो वो जब आप आए थे या आप उनको एड्रेस करना चाहेंगे कि जनरली क्या मिसकंसेप्शन या मिथ्स एग्जिस्ट करती हैं और रियलिटी क्या है. मैं आपको अगर मैं थोड़ा सा अपना करना चाहूँ उसको एलैबोरेट करना चाहूँ तो ये है कि अच्छा जी कि ये लोग उनके पास डिजिटल लिटरेसी है ही नहीं या आप इनको ये चीज सिखा ही नहीं सकते. बट देन अगेन माशाल्लाह आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका ही सारा काम जो है वो आंगन वगैरह के प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे, दे आर एक्चुअली निगेटिंग ऑल दोस मिथ्स. उसके वाले से अगर आप कुछ बात करना चाहें कि इस साइड पे जर्नली हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन पर्टिकुलर और जर्नली पाकिस्तानी कम्युनिटीज जिनको हम रीच आउट करना चाहते हैं बट वी हैव आवर ओन स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग दैट. जी बिल्कुल, हमारा प्राइमरीली कारवान क्रॉस फाउंडेशन जिससे मेरा ताल्लुक भी है इदारे से, इनोवेशन का, सोशल इनोवेशन का एक इसके इथॉस में, इसके इस वे इंग्रेडिएंट उसमें इट्स वेरी एट द वेरी कोर ऑफ व्हाट वी डू. सो बहुत ज्यादा एरियाज हैं जो डेवलपमेंट को जिस नजरिए से देखा जा सकता है. सोशल प्रोटेक्शन एक नजरिया है देखने का, माइक्रो फाइनेंस एक जरिया है देखने का, इसी तरह इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखने का है, मार्केट लिंकेजेस देखने का है, स्किल डेवलपमेंट देखने का है. ये सारे चीजें हैं, ये सारे मोर और लेस मिलके जो है ना वो डेवलपमेंट ही को एड्रेस कर रहे होते हैं. सो सब कुछ हर इदारा करने का कैपेसिटी भी नहीं होती और करना भी जो है वो एक there has to be some mission around what you are doing. So वो हमारा जो it's a very जो बहुत कोर में है ना वो है which is conventionally termed as women economic empowerment. In how we do it is what we call a theory of change is educating life skills, enable to earn and empower to decide. It's a triple E
what we call as a theory of change. So empowerment jo hai wo, it's an outcome, it is not an input. Now that's a samjhaya jata hai ki it's an input that needs to be given. Input hai aapki education, education in what we call it life skills. Life skills include both the ek zindagi guzarne ke jo ek confidence, ek hope, ek jazba, ek positive outlook se lekar jo aapne agar karobar se related cheeze karni hai usme kaun kaun se cheeze zaruri hoti hain, which are both soft skills and also some skills, okay, technical skills, people, financial management, record keeping, negotiations. So aur saath what is conventionally called vocational trainings, now conventionally called, so what we call them as life skills. So now pehla portion to wo clear ho jata hai. Now vocational skills has a very myopic way of looking at again things. Vocational is this. What we say, it's talent honing. It's not vocational skills. You see, now there's a different perspective of looking at. It's not top down. Vocational skills, it's not giving. Talent honing is, it's already there. Now that's a very very fine way of understanding. It's not about what actually we can do from them. It's not about us and them. It's about we being equal. And honestly speaking, maine apne experience mein bhi ye cheez bahut zyada what has been very enlightening experience and very enriching experience is that there's empowerment. What we say is empowerment, and is already there. They are larger than life. This what the hum to urban area mein hum apna bharam rakhne ke liye kuch judge na kar le. So we will not share, and we will not they are very open. They would share with you, and they would come for help for any other person in the community. So ethos bade ek jo hai na wo bade ek value systems bahut zyada jo hai na wo seekhne ka hai bahut kuch hai. So educate in life skills, then enablement to earn again. जो भी टैलेंट होनिंग के थ्रू हुई, सो जो वहां का एक तरह से वैल्यू चेन है ना, उसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत रोल प्ले करती हैं कनेक्टिंग टू द मार्केट. नाउ अगेन लुकिंग एट द सप्लाई साइड वे ऑफ डीलिंग विद इट, एंड देन लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ. So perspective हमारा जो होता है ना वो यही होता है, to look at it from the demand side perspective. Now उससे ये होता है कि उनका जो engagement with the businesses वो एक बेहतर तौर पे mature हो जाती है, and also जो trust deficit है from the demand side, जो information asymmetry है, वो भी over a period of time जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता bridge होना शुरू हो जाती है with few of the micro entrepreneurs that are there. So these micro entrepreneurs, women micro entrepreneurs, they are not only an economic link with the home-based workers in their community. They are more than that. They are mentors. They are leaders. They are somebody that the community looks up to. Now, ये सारी चीजें नहीं, ये चीजों को इस तरीके से देखना, ये एक बिल्कुल एक एक जो एक conventionally चीजों को जिस तरीके से समझा जाता है, ये थोड़ा सा उससे एक 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 लर्निंग ही है जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हुई है. देन व्हेन दे बिकम एक इकोनॉमिक साइकिल में आ जाती हैं और बेहतर हो जाती हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही बेहतर नहीं होती बल्कि कम्युनिटी के लिए भी बेहतर हो जाती हैं. उनको काम ज्यादा मिल रहा होता है. और दूसरा बहुत बड़ी चेंज आती है कि जो इकोनॉमिक चेंज है, दैट लीड्स टू द सोशल चेंज, यानी कि देन शी बिकम्स पार्ट ऑफ द, शी इज एम्पावर्ड टू डिसाइड अबाउट हरसेल्फ एंड हर फैमिली. दैट्स अ ट्रू एम्पावरमेंट, कि वो अपने घर वालों के
या घर बार के फैसलों में वो हिस्सेदार बन सके, हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में हिस्सा बन सके. अब हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग क्या क्या चीजों की होती है? अबाउट हर चिल्ड्रन हेल्थ, अबाउट एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, हाउ मेनी चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव, सेविंग्स. सो ये सारी चीजें जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो सोशल एलिमेंट्स नजर आती हैं, डेवलपमेंट के काम नजर आते हैं, इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन दैट लेडी हु कुड बी एनेबल टू रीच दैट पॉइंट. नाउ दैट ऑल्सो लीड्स टू द बिहेवियरल चेंज एलिमेंट ऑफ द मेन इन द इन दैट सोसाइटी, इन द फीमेल हाउस होल्ड, जो जो आर्टिसन का हाउस होल्ड या उनके घर वाले, तो वो चेंज बिहेवियर. तो इस नैरेटिव में जो है ना, वुमेन एम्पावरमेंट जो कन्वेंशनली कहते हैं, इसमें यू कैन नॉट कीप द मेन आउट ऑफ दैट नैरेटिव. बिहेवियरल चेंज हैज टू बी, इट्स अ हाउस होल्ड दैट बिकम्स बेटर. सो वो, एंड दैट इज हाउ, दैट इज द वे वी मूव फॉरवर्ड ऑन ब्रिंगिंग अबाउट वॉट एवर कैन बी डन. सर एक सो दो वी, क्वेश्चन यहाँ, जी, सॉरी जी प्लीज गो अहेड. जी सर, दो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे माइंड में आ रहे थे. अगेन यू नो ट्राइंग टू एड्रेस अ पॉपुलर सिनिकल ओपिनियन, वो ये आता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जब इनेबल करते हैं हम खवातीन को, उसके बाद ये सुनने में आता है कि मर्द या जो मैन है वो उसके ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं उस घर हाउस होल्ड के, और वो शायद ज्यादा नेगेटिव कॉन्टेंशन का आ जाती है कि ये तो अब हाथ से निकल गई है, कोट एंड कोट सेइंग अ वेरी पॉपुलर टर्म. सो उस पे आप लोगों को, क्योंकि आपने इतनी खवातीन के साथ काम किया है, सो व्हाट हैज बीन योर जनरल ओपिनियन के क्या वो उनको उस तरह बना दिया जाता है जिसको ड्रामों में बुरी औरतें हम गॉड फॉरबिड कहना शुरू कर देते हैं, या जनरली आपका अच्छा रहा एक्सपीरियंस? It's a very, very pertinent, very important point that you've raised. The most difficult part, the most challenging part of whatever we do, is the mobilization part. When you have to mobilize that lady, that girl, that woman of a particular house to come to a training center, जी get the training. So that's no. जो barriers है ना, are many. सबसे बड़ा बैरियर जो है वो तो कम्युनिटी इटसेल्फ है, विच इन एंड ऑन ऑल्सो द इमीडिएट इमीडिएट हाउस होल्ड, जिसमें भाई बाप या इतने, और वो एल्डरली वुमन जी सर, इन इन द हाउस लॉज होल्ड एज वेल, आपके सास इन आ द जाएगी, कम्युनिटी. आपकी मदर इन द लॉ, मदर इन लॉ आ हाँ, जाएगी. इवन कि यार ये क्या, क्योंकि पता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू निगेट what the elders have been doing. वो मुश्किल होता है ना कि यार अपने आप को वो बिल्कुल करना कि हमने तो ऐसे नहीं किया, तो ये कैसे करेगी. सो ये होता है ना. इसमें जो वो बड़ी ना, एक फिर हमारे बड़े कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस होते हैं, जिसमें जो चेंज एजेंट्स हैं या जो द लेडीज हु हैव बीन पार्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड हैव डन बेटर, दे बिकम आवर एम्बेसडर्स. वो जो है, वो जब वो देखते हैं कि यार इन्हीं की कम्युनिटी से निकली हुई एक खातून जो है, वो एक उसका घराना बेहतर हो गया, एक इज्जतदार तरीके से जो है वो चीजें रोजगार की तरफ, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी कोई एक चेंज आ गई, लेकिन एक ओवरऑल पॉजिटिविटी इन द हाउस होल्ड, इट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ. सो वो जब इन चीजों को देखते हैं कि यार इसकी वजह से ये बेहतर हो गई है, और इसका घर बार बेहतर हो गया है, इसके बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, सो दे बिकम काइंड ऑफ अ रोल मॉडल. नाउ दोज आर द पीपल जो उनके उनको फिर उनसे मिलाया भी जाता है, उन रोल मॉडल्स को, एम्बेसडर्स को उनको. सो दैट एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकेंडली इस के जो नॉट ओनली द लेडी बट द मेन, जो उसके घर में जिन्होंने जो शुरू में एक तरीके से बैरियर थे, दे बिकम द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ 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 व्हाट द लेडी ऑफ द गर्ल्स इन द सोसाइटी शुड बी डूइंग. सो ये है इसके, ये इस
अभी भी जो है ना द पैट्रियार्की हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग देयर. यहाँ तो अर्बन एरिया में हम उन चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ बैठे हुए, लेकिन ऑफ कोर्स वहां जो है ना, और कम्युनिटी का भी बड़ा प्रेशर होता है. वो जी साथ वाले ने ये कह दिया तो वो कह दिया, ये कह दिया, तो इसी सब चीजें होती हैं. बट लेकिन इसको एड्रेस करना, और जब वो एक दफा ट्रेनिंग सेंटर पे आ जाते हैं ना, हम उनके इवन घर वालों को भी लेके आते हैं जो जो उसके ताकि वो अवेयरनेस सेशन में देख सकें कि यार ये जगह है जहाँ ट्रेनिंग होंगी, ये ट्रेनिंग होगी. फिर जो भी उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है ना, जो वो चीजें बना रही होती हैं, कर रही होती हैं, हम उनको भेजते भी हैं कि यार ये देखें कि ये सीख रही हैं. बहुत बहुत चीजें जो है ना, रंगों से कभी नहीं खेला होता लोग, सिलाई कढ़ाई आ रही होती है, लेकिन व्हेन यू सी यू हैव अ देयर इज अनदर वे ऑफ ऑफ of doing new things with new materials, so uska ek bada ek charm hota hai, so wo ek tarah se jo jo pehle rokte the, so wo aise bhi hain jo uske biggest supporter ban gaye hain is cheez mein, and that is how we actually address this. Aur constantly community असल में जो है ना, जो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है कि यार ये होगा क्या, क्या होगा, कैसे होगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सो ये चीजें बड़ा आपको जो है ना, एक और जो फिनोमेना बड़ा कॉमन है ना, विच इज ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल्स. नाउ व्हेन अ गर्ल रीचेज अ पर्टिकुलर एज, तो वो वाले घर से निकाल लेते हैं उसको. नाउ सॉरी, घर से कहना, स्कूल से निकाल लेते हैं जी. So, वो ना वो घर पे रख रहे हैं. Now when that that girl becomes 18-19-20 साल को, तो you see वो फिर एक वो बड़ा missing link हो जाता है. Now they see an incentive in doing a short course that could be better for her life as well. जिसमें जो है वो अपने रोजगार का जरिया भी बन सके और एक पॉजिटिव आउटलुक का भी एक जरिया बन सके. सो आई थिंक दैट्स अ टू वे थिंग दैट वर्क्स देयर. द बैरियर्स आर स्टिल देयर, आई एम नॉट डिनाइंग कि बैरियर्स नहीं है, बट आई थिंक दैट इज समथिंग एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट. एक जगह जैसे मैं आपको साउथ पंजाब की जगह बताऊंगा, जहां वहां अब आप क्योंकि इतने प्रोग्राम्स चल चुके हैं वहाँ, हमारे ही बहुत ज्यादा एलेबोरेट प्रोग्राम्स चले हुए हैं और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लेकिन उसमें होता ये कि वो एक 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 ना एक स्पार्क ऑफ हो गई हुई है चीज कि नाउ पीपल नो कि यार अच्छा हमने यहाँ कोर्स करना है. नाउ हमारे पास जो है मतलब कोर्स के लिए अगर एक 20 खवातीन की एक क्लास है, सो उसके लिए जो है वो मतलब कुछ 40-50 एप्लीकेशंस वो होती हैं जिनको हम रिटेन नहीं कर पाते और अगले सेशंस के लिए उनको लेके जाते हैं. सर मैं बिल्कुल आपने जी बिल्कुल आपने उसको टच किया. मेरा अगला क्वेश्चन यही होना था कि हाउ डू यू सिलेक्ट दीज वुमेन, और क्या क्राइटेरिया होता है, और क्या आप लोग कुछ स्पेसिफिक देखते हैं कि यू नो व्हाट कैन बी डन, और फिर या सबको इंडक्ट करके जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो प्रोग्राम्स के साइकिल डिफरेंट हो जाते हैं. हाँ, इसमें जो है ना वो ये जरूर है कि जो सेंटर्स हम बनाते भी हैं वो भी कम्युनिटी में के करीब तरीन बनाते हैं. मोबिलिटी इज अ मेजर चैलेंज. सो हम जिस कम्युनिटी में ये सेंटर बना होगा हमारा, सो वो उसका आइडिया ही ये होता है कि हमारा एरिया मैपिंग वगैरह पहले होती है, नीड असेसमेंट का एक प्रोसेस होता है कि कहाँ जो है वो दिस मो नीड, दिस मो वल्नरेबिलिटी, देर आर मो लेडीज एंड हु वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, मोर डिमांड ऑफ सच थिंग्स. तो वो हम वो हमारी पूरी एक मैकेनिज्म ऑफ नीड असेसमेंट, उसके थ्रू जो हम वो एरिया सिलेक्ट करते हैं जहाँ जाके हम अपना वो सेंटर बनाते हैं, ताकि उनकी मोबिलिटी का भी मसला ना हो, दूर आना जो है ना वो. सो वो उस आसपास के 2-4 गांव जो हैं उन्हीं की खवातीन को जो है ना वो एड्रेस कर रहे होते हैं. नाउ
होता ये है कि ऑफ कोर्स जब सिलेक्शन का तो क्राइटेरिया यही होता है कि 18 साल से मतलब बड़ी उम्र के ख्वातीन को हम जी इंडक्ट करते हैं। थोड़ी सी अगर पढ़ी लिखी भी हो, प्राइमरी या सेकेंडरी तक किया हो, बहुत ऐसे भी हैं जो कि मतलब मास्टर्स करके भी जो हैं वो भी इसका हिस्सा बन रही होती हैं इस हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का। और सो दिस इज प्राइमरीली क्राइटेरिया थ्रू विच वी सिलेक्ट द ट्रेनीज एंड सिलेक्ट द ट्रेनिंग लोकेशन वर्क। और सर ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? ये लास्ट प्रोग्राम हमारा जो था वो 4 साल, वेरियस प्रोग्राम्स एट रन एक्चुअली। जो इस कोर्स की ड्यूरेशन तो 3 मंथ्स होती है। ये होता है जो एक कोहोर्ट की ट्रेनिंग का होता है, बट देयर वेरियस प्रोग्राम्स एट वी आर रनिंग। सो जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उसका तो मैकेनिज्म यही होता है। देन देयर फ्यू इंस्टीट्यूट बेस्ड व्हिच आर इन द पेरियबल एरियाज व्हिच आर which we call it the business incubation centers। वहाँ भी जो है वो थोड़ा सा कम्युनिटी से कम्युनिटी एक पेरी अर्बन एरिया में होते हैं जहाँ कम्युनिटी के भी लोग आ सकें और बाकी अर्बन एरिया से भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। बट लेकिन जो है कुछ प्रोग्राम है जिसकी ड्यूरेशन जो है कोर्स की वो 1 साल है और कुछ की जो है वो 3 महीने है, और कुछ कुछ की इंगेजमेंट जो है वो 3 से 4 साल तक उनको इंगेज रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इनटू अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर, डेवलपिंग इनटू एन एंटरप्रेन्योर हु इज कनेक्टेड विद द मार्केट, और उसका जो ट्रस्ट है डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम दैट ऑफ द प्रोडक्ट दैट शी कैन डिलीवर, इन टर्म्स ऑफ द टाइमलाइन, जी उनकी कमिटमेंट क्या, रेट्स में क्या निगोशिएट वो खुद कर सकें। वो एक जिसकी वजह से फिर वो एक कॉन्टिन्यूड रिलेशनशिप विद सप्लाई एंड डिमांड वो एक बन जाता है बिल्कुल with the micro entrepreneurs, with one of the or two of the or four of the micro entrepreneurs or market players। और दूसरा जो है वो over period of time उनकी जो है honing की जाती है from through various exhibition। जब exhibit करते हैं अपने काम तो वो direct जो है वो conventional way में वो customers के साथ उनको deal भी करना पड़ता है। Now that's the best। और उसमें भी हम ऐसा करते हैं कि हम उसमें कुछ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होंगी हुआ एट अ वेरी हाई लेवल, मीनिंग कि उनके पास 5-10 लाख का सामान हर वक्त होगा टू शोकेस, और दे हैव एग्जिबिटेड नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दे हैव माशाल्लाह हैव नाउ बीन एग्जिबिटिंग इन अदर कंट्रीज एज वेल। सो वो भी एक लेवल ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर। देन देयर आर फ्यू उस कॉन्टिनेंट में जो थोड़ा सा उससे एक लोअर दर्जे पे होंगी। सो दे कुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो एक ऐसे स्टॉल लगा हुआ है, एक पूरी एग्जीबिशन है, 30 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आई हुई हैं अपना सामान लेके, जो प्राइमरली आर्टिसन एंटरप्रेन्योर्स जिनको कहा जा सकता है। सो कोई अगर देखेगा कि यार ये somebody is, how somebody is making more sales and what kind of display that she has, what kind of how she's dealing with customers, so she could learn, the lower in the continent could learn from them there and then. This is the way the programs are all spread. Up to mashallah we are in 22 districts helping other organizations to establish the similar kind of centers. We recently revamped the system for Citizen Foundation Nice. as well. Now providing the vocational centers उनको पूरी को revamp किए with our curriculum, then and our master trainers, then providing few solutions to industry as well in terms of
building capacity of the women workers in the formal sector, former garment sector, and large enterprises like a few of the largest enterprises in Pakistan. So wo industry ko bhi solutions de rahe hain aur saath, so because this is not for a again for a social enterprise, non-profit, for an organization which is women empowerment, would thinking on all those lines is something that is very it's a very creative process. It's very that's why I call it, if Karwan has to be termed, it's a social innovation organization. Great sir, balki aapne mera ek point already cover kar diya, linkages wala, and you know the importance of collaborating with each other, because hamare jo issues hain, I personally believe ki hamare jo issues hain, koi bhi social issue hai, wo koi ek organization ya government pura khatam nahi ya address nahi kar sakti. Jaise aapne pehle zikr kiya ki everyone has to have their focus as well, so really great to say. Sir, ab ek jo important question yahan pe rise hota hai wo ye hai ki aapke paas jo hai wo trainees aaye, unhone pure apna cycle 3 mahine ka, 1 saal ka tha, jo complete kar liya. उसके बाद अक्सर इन प्रोग्राम्स के इशू को जो देखने में आता है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे होगा, और वहां पे आप लोग मार्केटिंग लिंकेजेस को क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली जो आप डिजिटल स्फीयर की बात कर रहे हैं, आपने आंगन का लॉन्च किया है, उसके वाले थोड़ा बताइएगा. मोर इम्पोर्टेंटली, जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हाउ कैन दीज पीपल यू नो मूव टू द नेक्स्ट स्टेज. अच्छा, इसमें जो है सस्टेनेबिलिटी एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है for this kind of work, and also from a project perspective dekhne ke bajaye isko program perspective ke through dekha jaye to phir ye sare sawalon ke jawab ho jate hain ki ye jo bhi jin bhi khawateen tak hum pahunch rahe hain ya gharanon tak pahunch rahe hain wo kisi project ke nahi hai, wo Karwan ke hain. You see, so after the time that the some funding ends, so we have to have a mechanism that they continue to monitor progress as well. True. And to evaluate the impact of whatever has been done. So we've got a very elaborate monitoring and evaluation system in place, and we've got some reports that can be viewed on from our website, impact ke tab mein jaake wahan se there can be many reports on that. तो ऑल्सो हमारा इस काम को ना मुख्तलिफ लेंसेज से देखने का बहुत मौका मिलता है. मीनिंग के आप there's a human rights lens to look at it, there's a social justice lens that this work has to be looked at, and also the we call के now the digital space के lens से भी इस पूरी चीज को देखा जा सकता है ना. Digitization is something which is a writing on the wall. Technology is something which is if somebody is not embracing it, so there are cases, there are larger organizations who are no more anymore. So so what we realized how can technology be leveraged where the sustainability betterment could continue the relationships that have been developed with the market players could be strengthened, and also their own capacity to sell their products as an entrepreneur. So one is that taking orders from a larger market player, and also to sell to end consumers as well. So that is what the entrepreneur is all about. Acha, ab isme jo hai wo humne bhi is cheez ka lagaya ki there is a cost of doing business. If an artisan has to travel to a market player, show them her the samples that are being developed, and the market player says no, change this and come back again with, so you see there's a whole cost of
डूइंग बिजनेस जिसका जो है वो जिसकी वजह से इसका जिसकी वजह से ये जो बड़ा ही जो कल्चरल हेरिटेज बेस्ड काम है बड़ा क्वेश्चन में आ जाता है, उसको उसका रिवाइवल पे अपनी रूट्स को जो रह गई हुई हैं उनको रहने कैसे दिया जाए, उसको कैसे जो है उसकी एक ताकि एक उनके लिए आसानी कैसे की जाए कि जो है ना दे कुड कंटिन्यू विद दैट वर्क। सो ये समझ आती थी इस चीज की कि ये जो क्वेश्चंस है ना कि अबाउट डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंड आल्सो टू ब्रिज द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री व्हिच इज के डिमांड साइड को पता नहीं है इन आर्टिसंस के साथ कैसे काम करना है क्या, इन आर्टिसंस को नहीं पता कि उनकी डिमांड क्या है, सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ब्रिजिंग दैट नीड्स टू बी देयर वो कॉस्ट इफेक्टिव ब्रिजिंग को। सो वी एन आइडिया के यार इस तरीके का कुछ जो है ना कुछ टेक्नोलॉजी और ऐसी भी चीज के इस तरीके से लेके जाई जाए कि वो उनके लिए गूगल बन जाए, आसान बन जाए, वो उससे इनहराफ ना कर लें, वो उसमें उसको में उसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकें रादर देन जस्ट सेइंग नहीं जा। सो वी हैड एन आइडिया कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है, एक डेवलप्ड मल्टी वेंडर पोर्टल जिसमें जो है उन एंटरप्रेन्योर्स को जो कोई 80 कोई हमने सिलेक्ट की टू स्टार्ट विद कि उनको जो है ना डिजिटल लिटरेसी के एक करिकुलम के थ्रू गुजारा जाए जिसमें जो है वो उनकी डिजिटल रेडीनेस से लेके डिजिटल एनेबलमेंट पे आया जाए। रेडीनेस का मतलब है कि इवन द स्मॉलर थिंग्स लाइक एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, हाउ टू मैनेज ऑप्टिमाइज स्मार्टफोन इन टर्म्स ऑफ व्हेन दे आर टेकिंग नॉट टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ सेपरेट ट्रेनिंग, ट्यूटोरियल्स बनाए उनके कि कैसे वो उनको किया जा सकता है, वहां जाके उनको ट्रेनिंग दी सारी। देन हाउ टू एक्चुअली क्रिएट प्रोफाइल्स ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हाउ टू बी डिजिटल एथिक्स क्या हैं, सो इनकी तरफ लेके आए और आल्सो टू उनको फिर एक आइडिया यही था कि इट्स अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल कि वी शुड नॉट बी अ रिटेलर इन सेल्फ, दे देमसेल्फ्स आर सेलिंग, they themselves are showcasing themselves as in a very authentic way ki kya unhone kiya hua hai, kya products unke paas, so that is something that they could do. Acha ye idea tha and that is something that aur wo end consumer jo hai na sabse zyada better price bhi unko de sakte hain value chain mein, so they could showcase their products. Now ye idea tha ab and ki isko kaise execute kaise kiya jaye is cheez ko, पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, फंड रिक्वायर्ड होते हैं, सो आउटरीच तो हमारे पास थी इन सब चीजों की। दिस इज एट दैट टाइम, मैं चार साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, तीन से चार साल बाद पुरानी बात, सो उस वक्त जो है ना वो द आइडिया वाज कि ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये कैसे डिजिटल कैसे उन खवातीन तक चला जाएगा। सो इवन द डेवलपमेंट सेक्टर organizations even some larger organizations would question ki nahi ye nahi ho sakta, nahi ho sakta. Now that's a very for an entrepreneur that's a very keep that's a very important point ki yaar ki yaar ye nahi ho sakta, it's a starting point ki yaar ye to karna zaruri ho gaya, ye to challenge ho gaya, ye to zaruri ho gaya. So wo phir and very fortunate ki ye this idea was understood by none other than Samsung. सैमसंग वो उनके भी जो है ना वो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स में चीजें चल रही थी, दे पार्टनर्ड विद अस, दे प्रोवाइडेड मोबाइल फोन्स के उनको खवातीन को दिए जाएं जिनके पास एक्सेस नहीं है, एंड दे हेल्प्ड अस क्रिएट दैट मल्टी वेंडर पोर्टल व्हिच नाउ हैज इवॉल्व्ड इनटू मोर ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल फॉर दिस लेडीज। सो दिस इज हाउ और वो वहां जो है वो अपना मतलब कैसे
ट्रेनिंग का हिस्सा ये भी है, एक पूरा डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम है हमारा, करिकुलम है, विच इज वेरी इजी कि कैसे जो है वो, एक तो ये कि बैकग्राउंड वगैरह क्या हो, क्यों जरूरी है ये चीज, क्योंकि जो जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, वो दे वेरी सेवी, दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स, दे नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो दे वुड, उसकी अपटेक बहुत ज्यादा होती है, विच दे रियलाइज के यार हाँ ये जरूरी चीज है, सो विच वुड बेटर देयर इकोनॉमिक वेलबींग, सो वो उसकी तरफ ना वो बहुत ज्यादा उसकी अपटेक नजर आई, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वी कंटिन्यूड ऑन दैट जर्नी, और अब नाउ टेक्नोलॉजी कट अक्रॉस ऑल द प्रोग्राम्स दैट वी आर डूइंग, सो दिस डिजिटल एनेबलमेंट मूवमेंट दैट आई वुड से इज नाउ इज कटिंग अक्रॉस ऑल आवर प्रोग्राम्स दैट वी अंडरटेक, और अब तो जो है रिसेंटली व्हाट वी डिड वाज के नेक्स्ट लेवल पे, बिकॉज ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स जो एक कन्वेंशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस वाज क्वेश्चन्ड अ लॉट, सारी चीजें बंद हो गई थी, इस दौरान भी जो है वो व्हाट वी केम अप विद एन ऑनलाइन एग्जीबिशन दैट हाउ कुड दीज लीड, बिकॉज यू सी देयर they are still what we at the bottom of the pyramid, unki jo ek rozgar kamane ke mauke the wo kam se kam ho gaye the, now how to actually do something which could help them be back on the way of earning a dignified livelihood, so what we did was ke humne pe ek online exhibition ka ek tarike kar nikala jisme wahi khawateen जो डिजिटली इनेबल्ड हैं उनको फर्दर होन किया, मतलब उनकी जर्नी को और थोड़ा सा एनहांस करके ऐसे लेके आए कि दे कुड बी देयर ऑन फेसबुक लाइव सेशन, एंड दे कुड एक्चुअली व्हेन यू सी देयर वुड बी अ जर्नी कि वो उनकी इनेबलमेंट कैसे होगी कि एक करोड़ पक्का में खातून बैठी हुई है एंटरप्रेन्योर, एंड उसने अपने घर को उसने कम को ट्रांसफॉर्म कर लिया है इनटू इन गैलरी एरिया के, और वो बता रही है दुनिया को कि ये मैं हूँ, ये हूँ, और वो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, और हमने फिर एक बना भी ली, एक डिजिटल गैलरी भी बना ली उनके प्रोडक्ट्स की कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं, देन वी मार्केटेड देम, और ऑल द मतलब वो जो भी कनेक्ट हम वी जस्ट कनेक्टेड देम टू देम, वी डिड नॉट एम टू एंड वी डिड नॉट earn anything out of it. It's just a passion that got, and the idea of the very basis of Carvaan. This is the reason for Carvaan. So वो ये हमने जो है ना उनको करवाया. अब वो उसका ये हुआ कि उसके उनका profile वगैरह जो है वो मुख्तलिफ social media platform पे बनना शुरू हो गए, और उनको ये समझ आने लगा जब वो खुद एक खातून बता रही है अपने बारे में कि यार ये मैं हूँ, यहाँ से हूँ, इन कम्युनिटीज के साथ काम करती हूँ, इससे ज्यादा ऑथेंटिक बात नहीं हो सकती. बिल्कुल सर. यू सी, मैं किसी को बताऊं कि नहीं यार ये चीज आप ले ले, और इसमें जो है वो इसमें ये भी है वो भी है, नाउ दैट शी हरसेल्फ इज सेलिंग, सो उसकी अच्छा अब उसके दो उसके जो है ना वो आउटकम्स बड़े मजेदार नजर आए. एक तो कम्युनिटी में जो है ना इट्स पार्ट ऑफ अ मूवमेंट अगेन, क्या हमने भी क्योंकि दे अर्न मनी आउट ऑफ अल्लाह का शुक्र है मैनेज टू लिवरेज द कस्टमर्स, टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स, इन्फॉर्म द एंड यूजर्स, और बहुत ज्यादा अपटेक उसकी जो है ना उन्होंने खरीदा बहुत ज्यादा उनसे, इवन इंटरनेशनली जो है ना उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो गया, वो उन्होंने डिलीवर भी किए सारे के सारे. सो यू सी वन ऑफ द इंपैक्ट रिपोर्ट्स इज ऑन आवर वेबसाइट, आप उसको जरूर देख भी लीजिएगा कि उड़ान वाली जो चैप्टर 7 एग्जीबिशन की ऑनलाइन एग्जीबिशन की. अच्छा अब वो देखा देखी जो है ना वो कम्युनिटी में भी उसका जोर पकड़ने, अब हम भी हमें भी जी इस पे लेके आए, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अब हमने एक एग्जीबिशन की, फिर जल्द क्योंकि इतना ज्यादा पुश था कम्युनिटी की तरफ से, सो वी हैड टू हैव अनदर एग्जीबिशन, सो इस अक्टूबर पहले जुलाई में की थी, फिर अक्टूबर में दोबारा की,
अच्छा, इसका एक और एलिमेंट भी ये था कि जो करवान का बड़ा एक अगेन समथिंग व्हिच इज वी टेक इट एज अ मिशन टू इन्वॉल्व टू सेंसिटाइज द यूथ ऑफ द कंट्री टू द टूवर्ड्स टू टू द कम्युनिटी वर्क, के इस चीज को जो है वो उसमें उसको उनको कैसे कनेक्ट कराया जा सकता है के वो उस जो अस एंड देम वाला जो है ना एक एक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स उसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है, कैसे दोस्ती की जा सकती है और कैसे ये जाना जा सकता है कि हम सब एक ही हैं। इट्स द सेम लाइफ दैट ब्रीड्स इन ऑल ऑफ अस, इट इज जस्ट कहीं कोई कहीं पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया, एंड इट डजंट मैटर जिस चीज की तलाश में शायद हर कोई होप होप खुशी दूसरों के लिए क्या करना, ये सब चीजें, ये छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें हैं जो वैल्यू सिस्टम्स में हैं। सो वो एक तरह से ना उनको कैसे सेंसिटाइज कराया जा सकता है। नो वी एंगेज द यूथ टू एक्चुअली मॉडरेट दोस सेशंस, यंगस्टर्स को दे कुड बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, सेशंस को वन ऑफ वन टू ऑफ आवर डिजाइन तो पूरा प्रोग्राम इसी तरीके से किया था, बट दे कुड मॉडरेट इट, सो ड्यूरिंग दैट सेशन इज काइंड ऑफ दे आर so there are multiple layers of of goodness that spreads in a very authentic way. So this is how the digitization is moving and forward, and aista aista e-commerce bhi jo hai na wo bhi it's moving towards conversational commerce. Jisne koi cheez khareedni hai want to get onto the Instagram, talk to somebody who could developer who could deliver that product, Facebook pe contact kar lein. So moving forward we developed chatbots for chatbots for two of our artisans, just and we involved somebody from a researcher from Auckland University, unko involve kiya who actually aces in developing chatbots. So wo bhi experiment kiya hai jo यानी कि टेक्नोलॉजी को ना एम्ब्रेस करना जो है, और ऐसे एम्ब्रेस करना दैट यू हैव नॉलेज ऑफ ऑफ द कम्युनिटी नीड्स उस एक आसान तरीके से कस्टमर्स के लिए भी डिमांड भी और जो द वुमन दैट वी वर्क विद उनके लिए भी ट्राई करना। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज भी हो रही है, अब उसको किस तरीके से एक एक ऐसी चीज में कन्वर्ट किया जाए, ऐसी चीज में ऐसी चीज इस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाए या कम्युनिटीज में भी लेके जाया जाए और डिमांड साइड में भी लेके जाया जाए कि वो एक आसान तरीके से इंटरेक्ट कर सके आपस में। बिल्कुल, सो दैट इज नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने अभी मैं देखा था कि इंडिया में इन्होंने ये फीचर ऐड किया है कि व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट गेटवे भी बन सकता है। सो फॉर मी दैट्स नॉट अ वेरी रेवोल्यूशनलाइज्ड किस्म का प्रोडक्ट, जब भी पाकिस्तान में या जब बाकी मुल्कों में आएगा, क्योंकि देखें हमारे अभी भी ये पेमेंट मैकेनिज्म इज वन ऑफ मेरे ख्याल है जो एक रह गए हैं हमारे, एक चीज हील रह गए हैं उसमें। अच्छा सर, लास्ट जो है बिफोर आई रैप अप, ये होगा कि सारा कुछ माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, बट व्हाट मोर यू थिंक कैन बी डन, and more importantly what role we can play as an individual, as a community, as an organization, to isme hum sare kaise apni madad kar sakte hain, and what do you think more can be done? Ji bilkul, pehle jo hamara aapne baat ki ke jo payment gateways wali baat hai, ji bilkul ye ek bahut bada challenge hai. Hum यहाँ से तो कोई चीज बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन बाहर वाला यहाँ से कोई चीज खरीद नहीं सकता थ्रू पेपैल या फिर उस तरह वहां ये वी हैव टेकन इट अप विद द गवर्नमेंट एज वेल। कुछ पॉलिसी डायलॉग्स में इन्वॉल्व भी हूँ खुद भी इन वी टेकिंग इट अप कि कैसे जो है इसको जो है सिंप्लीफाई और फर्दर किया जा सकता है। बहुत चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं, हमें उन चीजों को जरा आसान करना अब कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जाएंगे उस चीज में। दूसरा जो आपका सवाल है कि हम कर क्या सकते हैं और क्या किया जा सकता है, मेरे ख्याल में एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है ना इस पूरी इस डेवलपमेंट वर्क का
is to bring the stories of these ladies to the front as well. They're very strong. हर एक की आपकी जर्नी है, मेरी जर्नी है, इसी तरह हर एक जर्नी होती है, बट लेकिन कुछ लोगों की रेजिलियंस पावर जो है वो पर्टिकुलरली रूरल वुमेन की जब हम बात करते हैं तो वी हैव अ वेरी फ्रॉम द अर्बन परस्पेक्टिव इज हैज अ वेरी काइंड ऑफ हम अस एंड देम वाला एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होता है. सो उनकी वो स्टोरी सामने आई नहीं होती. And they are very powerful. एक जो pity का element है वो side पे रखने की ज़रूरत है. And it's a power element that needs to be brought forward. And they are ऐसी मतलब experiences होते हैं. ऐसे हमारे में आपको बताऊँ वो सीखने की इतनी चीजें हैं. उनकी कहानियाँ जो हैं उनकी वो कारवान हैव हैज टेकन इट अप ऑन आवरसेल्फ कि उनको कैसे जो है वो उनकी कहानियों को आगे लेके आया जा सकता है. लाइक वन ऑफ द स्टोरीज दैट आई कैन वेरी वेल शेयर एज टू व्हाट के कैसे जो है वो सारी की सारी चीजें जो है ना वो एक जगह इकट्ठी भी हो जाती हैं और मतलब हमारे सारे के सारे जो जो सोच है उन उन एक दही इलाकों में रहने वाली ख्वातीन के बारे में वो कैसे तब्दील हो जाती है. एक एक हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें जो है वो 20 ख्वातीन को जो है वो पूरे साल के लिए 25 हमारे इंक्यूबेशन सेंटर से 20-20 खवातीन को जो है ना वो टेक्नोलॉजी शॉक दिया था जिसमें उनको मशीन्स जो हैं उनको एक कमर्शियल ट्रेनिंग मशीन पे ट्रेनिंग करवाई थी फ्रॉम अ ट्रेनिंग सेंटर कन्वर्टेड इनटू अ फैक्ट्री काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट. सो वो था कि एक साल बाद जो है ना वो एक साल में वो उनसे पैसे भी कमा सकें वो जो काम करें कम्युनिटी के ऑर्डर्स के साथ भी. और हमने कुछ उनको यहाँ के अर्बन एरिया से भी ऑर्डर्स वगैरह जनरेट करके दिए हुए थे. सो वो था कि एक साल बाद जो है ना वो मशीन्स जो है ना वो उनको मिल भी जानी थी. सो हर क्लास में जो है इन 25 सेंटर्स में जो हमारा एक एक्स्ट्रा ट्रेनी भी होता है ताकि कोई ड्रॉप आउट हो जाए तो वो उसको उसके साथ उनको रिप्लेस कर सके. सो After a year, जिसमें उनको जब वो देनी थी machines, हमने तो 20 ही को देनी थी, 20 machines थी, तो extra training वो आती रही सीखने के लिए. उसको पता था कि वो सीखेगी and she actually did better in terms of अपने पास सिलाई मशीनें होती हैं सबके पास, but लेकिन the design element of it and everything, so वो सीखे, she मतलब continued coming to the center. The day that we were supposed to transfer those machines to those 20 ladies, उन ख्वातीन ने पैसे इकट्ठे करके वो उस एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए जो है ना they bought a machine ताकि जो वो हमारे साथ एक साथ रही है वो ये फील ना करे कि जो है वो जो है उसको मशीन नहीं मिली हमें मशीन मिल गई है. सो ये बड़ी मोटी बातें होती हैं. वो they themselves are poor. मतलब वो इसे ये गिविंग जो है ना वो आई थिंक वो इसका आपकी अमीरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, हार्ट से ताल्लुक होता है उस चीज का. बिल्कुल. सो आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन दीज टाइम्स और अदरवाइज भी टू ओपन द हार्ट टू नो दैट इट्स हम सब एक ही हैं. हमें एक दूसरे को की तरह अगर कोई किसी के लिए कुछ कर सकता है तो आगे बढ़ के करे. हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं ऐसे जिसमें जो है वो यूथ को सेंसिटाइज कराने के प्रोग्राम्स हैं टूवर्ड्स द कम्युनिटी वर्क एंड थ्रू द डिजिटल मीन्स, जिसमें हमारी व्हाट वी
कॉल इज अ वननेस वर्कशॉप, जिसमें जो है वो डिजिटली कनेक्ट करवाया जाता है विद दिस कम्युनिटी पीपल इन इन द रूरल एरियाज एंड एंड द यंगस्टर्स हियर इन द इन द इन द अर्बन सेटिंग. उनको करवाया जाता है, दे एक्सचेंज लेटर्स, वीडियो लेटर्स, दे एक्सचेंज ऑडियो नोट्स, दे एक्सचेंज, और वो इन सब चीजों को जो है ना फिर दे एक दोस्ती कराई जाती है. और ताकि जो है दे हाउ दे कुड वर्क टुगेदर, यहाँ से कुछ डिजाइन हाउस के कुछ या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स होंगे तो दे कुड कोलैबोरेट टुगेदर. एंड वन ऑफ द रीसेंट वर्क दैट वी डिड वाज वी रोल रिवर्सल, मीनिंग दैट दीज आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स दे एक्चुअली टॉट द डिजाइन textile design students as to what should be done in terms of design, in terms of the scale, in terms of, kyunki ye bhi na ye bhi ilm hai, ye isko aap kisi bhi level pe isko kisi bhi knowledge aur ilm se lower darje pe nahi dekh sake. They are, these are professors in their fields. So so cultural heritage ko jo hai na preserve karne ke liye bhi हमारे साहब ये इन दीज टाइम्स ना बढ़ भी गई है. टू आई थिंक कोरोना टाइम में जो है एक चीज बहुत जोर से जो एक एक आम हुई है बात, वो टू एक्चुअली ओन व्हाट इज आर्स. पोलैरिटी दुनिया में इतनी बढ़ चुकी है, सो जिसकी वजह से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर हो जिसपे ये आपस में इंटरेक्ट कर सकें. To not only as a responsibility उस चीज को, and that is something that the young, and I'm so happy to see so many youngsters, young organizations coming up and rising to the occasion for this. So just यही एक एक बड़ी hopeful environment इस वक्त है. In, even in terms of ke kitna tough time hai due to corona, but we could see that the people rising to the occasion to be connected back to its to their roots. It's a bilkul wonderful message. Or empathy is something that I think hame all aspects of life mein waise bhi badi shadid zarurat hai hamari society ko, jitna kind of unfortunately violent kitna jaate ja rahe hain. Sir, before we wrap up, I am not going to let go of this opportunity to go back into your EPN call days. For those who don't know, Danish sahab jo hai Zulfiqar Jabbar Khan hamare music legend ke bhai hain. So sir, mujhe thoda sa zarur aapko janna padega ki early EP call days kya environment hota tha, kya rohat hota tha, aap kya participate kar rahe hote the. Mera to ji koi participation aisa kuch nahi hota tha, but मुझे याद है यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते थे तो म्यूजिक थिएटर वगैरह करते थे, और उस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी होता था, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक भी होता था. सो कॉल इवॉल्व्ड फ्रॉम दोज डेज. सो इट्स वाज वेरी काइंड ऑफ एन आर्ट रॉक काइंड बैंड, जिसमें जो है वो कुछ कवर्स वगैरह तो नहीं करते थे, बस अपने ही जो समझ आती थी थिएटर भी, और इन टर्म्स ऑफ स्पेस को बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म करके जो है ना एक एक्सपीरियंस के तौर पे उसको किया जा सकता था. तो मैं तो कॉलेज डेज तक उस चीज को किया. फिर कुछ राइटिंग का था, लिखने का, सो वो कुछ गाने वगैरह लिखने का मौका मिला, लिरिक्स लिखने का मौका मिला, तो वो कॉल के लिए भी तो करते ही थे पहले. फिर उसके बाद जब ईपी बना तो उसमें भी कुछ इर्तिका एक बड़ा बिल्कुल सही है. वो एक सोच थी जो वहाँ भी मौका मिला, लेकिन आई थिंक द म्यूजिशियंस आर जस्ट फैंटास्टिक एंड दे आर डूइंग सम सुपर वर्क ऑल ऑफ देम. So, बस यही कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ ज्यादा है नहीं. आई थिंक जो एक
सोशल चेंज या एक 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 क्वेश्चन करने का जो एक 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 कोशिश होती है वो मुख्तलिफ मीडियम्स में फिर एक्सप्रेस हो रही होती है. सो इट हैज ऑलवेज बीन नॉट म्यूजिक, नॉट एनीथिंग एल्स, बट इट्स ऑलवेज बीन आर्किटेक्चर इन प्लेस दैट इज देयर. एंड what has been done with Karwan is something closest to heart around all the things that I've been doing earlier. So like a choti contribution I think you gave name to the one of the most iconic albums of all time in Pakistan Irtaka EP ke album ka naam tha, so main ye baat accept nahi karunga ki wo small contribution thi, but sir isi note pe thank you so much not first joining us but for everything you have done for this country and society and whatever you are doing. Karwan ka mujhe recently pata chala hai, but main personal capacity mein aur organization capacity mein aapke full support karte hain, aapke liye hazir hai, main on camera keh raha hu. अगर आपको कभी भी किसी में हम कुछ असिस्ट कर सके तो मोर देन हैप्पी, मोर देन वेलकम. आप प्लीज जस्ट अ मैसेज अवे, बिकॉज जेन्युइनली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप जो काम कर रहे हैं. एंड आई होप कि ये आने वाली जनरेशन इसको याद रखेंगी, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नजर आएंगी जो हम आज काम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच अमाद साहब, आपने बुलाया और मौका दिया आइडियाज शेयर करने का. और आप लोग जो कर रहे हैं आई थिंक ये भी बहुत बड़ा काम है. कुछ वॉइसेस जो हैं वो अनहर्ड रह जाती हैं, लेकिन आप जिस तरीके से यू फाइंडिंग पीपल टू लाइक माइंडेड पीपल टू एक्चुअली शेयर द थॉट्स, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके. हम सब और विश यू गुड लक एज वेल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर टाइम सर. थैंक यू, बहुत शुक्रिया.